जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बिरगहनी में बुधवार को क्रशर खदान में एक हाइवा चालक 11 केवी तार की चपेट में आ गया। हादसे में वो गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर बिलासपुर रेफर कर दिया गया। घटना जांजगीर थाना क्षेत्र की है। हाइवा ड्राइवर खिलावन सूर्यवंशी ग्राम पिसौद का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक माँ शारदा क्रशर खदान में आज सुबह 9:30 बजे हाइवा चालक खिलावन सूर्यवंशी उम्र 25 वर्ष पहुंची। वो हाइवा की मेंटेनेंस के लिए चेक कर रहा था। हाइवा 11 केवी विद्युत लाइन के नीचे खड़ा था। जब ड्राइवर ने उसके ट्राले को ऊपर उठाया तो वो तार से टकराने लगा। इससे गाड़ी में भी करंट आने लगा। इसी दौरान जब ड्राइवर खिलावन सूर्यवंशी ने हाइवा के पार्ट को चेक करने के लिए छुआ तो वो भी करंट की चपेट में आ गया। हाइवा चालक करीब 5 मिनट तक करंट आ रही गाड़ी में चिपका रहा। जैसे ही क्रशर खदान में काम कर रहे लोगों ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत बिजली बंद करवाई, लेकिन तब तक हाइवा चालक बुरी तरह झुलस गया था। वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। खबर मिलने पर पहुंची 108 एम्बुलेंस उसे लेकर जिला अस्पताल जांजगीर चांपा आई। यहां उसे प्राथमिक इलाज देकर बिलासपुर रेफर कर दिया गया। झुलसने से चालक की चमड़ी भी निकल गई है। क्रशर खदान संचालक का नाम अजय झांझड़िया है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। वहीं खदान संचालक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।